वैसे ही जैसे पहली बार हीरोइन बनने के लिए किया था। भूल गई क्या जब लोग कहते थे हुमा कुरैशी इज टू हैवी टू बी अ लीडिंग लेडी। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी ने अपनी अपकमिंग फिल्म डबल एक्सएल की शूटिंग पूरी कर ली है और अब ये फिल्म इस साल रिलीज हो सकती है। महिलाओं की सुंदरता को उनकी छरहरी काया के हिसाब से नापने वालों का जमाना अब नहीं रहा। हिंदी सिनेमा में हाल के दिनों में विद्या बालन, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और सोनाक्षी सिन्हा जैसी तमाम नायिकों ने महिलाओं को जैसी वे हैं वैसी ही बने रहने के लिए बड़ा हौसला दिया है। और हिंदी सिनेमा में भी सुंदरता का पैमाना बदलने की कोशिशों में ये नायिकाएं कामयाब रही है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए फिल्मकार मुदस्सर अजीज अब लेकर आ रहे हैं एक बेहद दिलचस्प फिल्म डबल एक्सएल, जिसकी शूटिंग हाल ही में लंदन और दिल्ली में पूरी हुई है। फिल्म डबल एक्सएल में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी लीड भूमिकाओं में नजर आएंगी। इन दोनों का पर्दे पर साथ देते दिखेंगे अभिनेता जाहिर इकबाल और महत राघवेंद्र। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के साथ ही इसका अब पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है और समझा जाता है कि ये फिल्म अगले साल गर्मियों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को निर्देशित किया है सतराम रमानी ने। फिल्म डबल एक्सएल समाज में लंबे समय से चल रहे बॉडी वेट स्टेरियोटाइप पर सवाल उठाती है, जिसे फिल्म में बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में दर्शाया गया है। फिल्म डबल एक्सएल 2+ साइज महिला के दिल को छू जाने वाली कहानी है। एक उत्तर प्रदेश से है तो दूसरी नई दिल्ली की चकाचौंध और ग्लैमरस दुनिया से है। वे एक ऐसे समाज से जूझ रही हैं जहां एक महिला की खूबसूरती और आकर्षण उसके साइज पर निर्भर करती है। मुदस्सर अजीज रचित इस फिल्म को उन्होंने ही लिखा है। गौरतलब है कि सोनाक्षी और हुमा अक्सर अपने अपने साइज के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार होती रही हैं। जाहिर तौर पर वे इस फिल्म के लिए पहली और सबसे सही पसंद थीं। फिल्म डबल एक्सएल समाज में चल रही बदमाशियों और बॉडी शेमिंग जैसे लांछनों को बहुत मजाकिया तरीके से लोगों के सामने लाने का इरादा रखती है।